नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। देर रात लड़की को अकेला देखकर एटीएम में यौन उत्पीड़न, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में लड़की के साथ एक व्यक्ति ने एटीएम रूम के भीतर उसका यौन उत्पीड़न किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की एक म्यूजिक शो से अपने घर लौट रही थी। रात करीब 2:30 बजे घर के पास पहुँचने पर वह ऑटो वाले को किराया देने के लिए पैसे निकालने एटीएम गई थी। लड़की ने घटना की जानकारी ट्विटर और इंस्टाग्राम पर दी है। लड़की ने बताया है कि घटना उसके साथ बर्थडे की रात हुई। लड़की ने बताया कि मुलुंड में किसी वजह से एसबीआई के एटीएम से पैसे नहीं मिले, तभी एटीएम में एक व्यक्ति आया और मदद की पेशकश की। उसने कहा कि वह ऑटो वाले को पैसे देने में मदद कर सकता है, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। बाहर निकलने पर लड़की और ऑटो वाले की बहस हो गई। तभी पास से गुजर रही पुलिस वैन रुकी तो लड़की ने अपनी स्थिति बताई। इसके बाद लड़की दोबारा एटीएम में पैसे निकालने की कोशिश की। दूसरी बार पैसा निकालने के दौरान वह व्यक्ति वापस एटीएम में आया और लड़की के कंधे व जांघ पर टच करते हुए कहा कि क्या उसे मदद की जरूरत है। लड़की तुरंत पीछे हट गई और चिल्लाई। तभी आरोपी व्यक्ति ने लड़कों संबोधित करते हुए अपना प्राइवेट पार्ट जींस से बाहर निकाल लिया। लड़की घटना का वीडियो बनाना शुरू कर चुकी थी। लड़की के चिल्लाने पर वह व्यक्ति तेजी से वहां से भाग गया। लड़की भागते हुए पुलिस वाले के पास गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम संदीप कुंभरकर है। तो एमएनएस न्यूज़ ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।